फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि आप अपने वीवो के फ़ोन में आप किस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में घंटे का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको सबसे पहला मेथड ये होता है कि आप ये बटन और ये बटन को एक साथ में प्रेस करेंगे तो आपको देख सकते हैं मैं करूँगा तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब जानते हैं कि अगर थ्री फिंगर से लेना हो स्वाइप करके तो उसको कैसे लेंगे। तो इसके लिए सबसे नीचे सेटिंग में जाना होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये रहा सेटिंग। और सेटिंग में नीचे आपको दिखेगा स्क्रीन कैप्चर, तो इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर थ्री फिंगर का ऑप्शन दिखेगा तो इसको इनेबल कर देना है। और जैसे ही इसको इनेबल करेंगे तो आप जैसे ही थ्री फिंगर से लेंगे तो आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा और यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो गाइस, इसी तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आई होप कि वीडियो पसंद आया। पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सॉरी फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी फीचर्स होता है, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख सकते हैं ये रहा स्क्रीन कैप्चर, और ये स्क्रीन कैप्चर आ गया है। अपना साइज सेलेक्ट कर लीजिए, ये रहा, तो आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीनशॉट आ चुका है। ये देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है ऑप्शन, ठीक है। ये मेरे को वीवो के फ़ोन में काफ़ी अच्छा लगता है। जो भी साइज़ में चाहिए उसको कर सकते हैं, लेकिन मैं एग्जिट कर देता हूँ, मेरे को सेव नहीं करना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो इसी तरीके से इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में आपने जाना कि किस तरीके से स्क्रीनशॉट लिए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय, टेक केयर।